الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. احترام و عقیدت کے ساتھ ایک بار درود شریف کا ورد کر لیں. رفیقان گرامی عزیزان ملت، شاندار شاندار اور جاندار تقریریں ہو چکی، ایمان افروز بھی کفر سوز بھی، اب اس کے بعد میری کوئی ضرورت نہیں ہے اور میری عمر بھی اس مرحلے میں ہے کہ اگر پوری دعا پڑھ لوں تو وہ بھی غنیمت ہے. بہرحال دو چار باتیں میں عرض کروں. حضور صدر الشریعہ علی رحمہ علوم و فنون کے معاملات میں بحر زخار جامع معقولات و جامع منقولات، ارسطو اور فاریابی، وہ علی ابن زینا وغیرہ جو علم اخلیات میں ایجاد یا اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے، ان سب کا کباڑا امام غزالی نے کر دیا اور پھر امام قطب الدین رازی علیہ الرحمہ نے تحافظ فلاسفہ کا جواب المحاکمات کے طور پر لکھا. امام رازی نے شرح اشارات میں وہ علی ابن سینا کی کتاب اشارات کی عبارات کو اس بخیے اچھیر دیئے. امام قطب الدین
शिराजी अली रहमा ने, मैं कुतुबुद्दीन शिराजी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुतुबुद्दीन राजी, उन्होंने अल मुहाकमात नाम की एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने अपनी माकूलियत का लोहा मनवा लिया इस तरह पर कि वो अली इब्ने सेना के फलसफे में जितना एतराज इमाम राजी का था उन सब में आधे का तो जवाब दिया और आधे को उन्होंने तस्दीक किया कि यहाँ इमाम राजी का पल्ला वाजिब है और वो अली इब्ने सेना का जनाजा उठ रहा। बहरहाल अब उसको संभालने के लिए उल मुबीन में कोशिश की मीर बाकिर दामाद ने, जो ईरान के रहने वाले एक काबिल फलसफी माने जाते। तो हम सबके परदादा उस्ताद हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहिर्रहमा ने उनको उसका ऐसा जवाब दिया आज हाशिए उल मुबीन में कि फलसफे नाम की कोई चीज ही न रही, सबको बिल्कुल उधेड़ कर रख दिया। कुछ लोग ईरान से आए वीर बाकी दामाद की हिमायत करने, तो ये तो लिख चुके थे अपनी बिल्कुल हमकुआने शबाब में, अभी जवानी ताज़ा ताज़ा थी उस वक्त लिख चुके, आए मुनाजरा करने के लिए दिल्ली में, और दिल्ली में कि हम इस पर मुनाजरा करेंगे। आपने कहा और मुनाजरा कर लो, क्या नहीं आपके नहीं, जिसने वो उल मुबीन का हर्जिया लिखा उससे हम करेंगे, तो उनसे करोगे, पहले मुझसे तो निपट लो। और फिर आपने बताया कि वो मैं आप अपने उनवाने जवाब में उस दर्जे में थे कि आपका लोहा पूरी दुनिया में माना जाता था कि इल्मे मंतिक और इल्मे फलसफा में उनके जैसा कोई, और जिथार करके उन सब उस पूरे वक्त ईरान को रख दिया। उन्होंने वो लोग अपना मुंह लटकाए हुए वापस चले गए। बहरहाल सैयदना अल्लामा फजल हक खैराबादी अली रहमा के सबसे ज्यादा काबिल एतमाद जो शागिर्द थे वो हजरत अल्लामा हिदायतुल्लाह साहिब नामपुरी अली रहमा, वो हजरत सदुशिया के उस्ताद थे। जब पढ़ने आए तो
अभी वीर उत्वी उनके पास पड़ रहे थे। उन्होंने सदुचर्या फरमाते थे कि उनके पढ़ाने का तरीका ये आम तौर का नहीं था, बल्कि वो कहते इबारत पढ़ो, इबारत किताब की पढ़ दी जाती, कहते तर्जमा करो, तर्जमा कर दिया जाता। फरमाते हैं अब इसकी तफहीम करो, कैसे पढ़ाओगे ये बताओ। तो वो सब सुनते और कहीं कहीं इतराफ करते। फिर फरमाते हैं सदुचर्या अली रहमान, यही उनका तरीका, वो मीर कुतुबी से लेकर शरहे मताले और मीर जाहिद पर उमूर आमा शरह मुआफिक पर जो है वो वहाँ तक चलता रहा। और ऐसी ऐसी किताबें जिसका नाम आज के उलमा नहीं जानते, हाशिए उर्फुल मुबीन के साथ उन्होंने उर्फुल मुबीन भी पढ़ाई। इस तरह बड़ी से बड़ी किताबें जिसका आज दरगाहों में कहीं वजूद नहीं, वो पढ़ाई। हुजूर हाफिज मिल्लत ने उनमें से चंद किताबें मुझे मेरी फरावत के बाद दो साल तक पढ़ाई। मैंने पढ़ी उन किताबों से मुझे पढ़ने के बाद मेरी आँख खुल गई और समझ में आया कि मुनाजरा कैसे होता है और कैसे शिपें निकाली जाती हैं, कैसे जवाब दिया जाता है, वो सब मैंने वहीं सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अभी मेरी दाढ़ी की रीखें निकल रही थी तब तक मुकम्मल हो गया। जब अभी इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी हुई तो आपसे मिल्लत ने मुझे शेखुल हदीस बनाकर एक अजनबी माहौल में भेज दिया। मैं तैयार न था, मैंने कहा मैं इल्मे हदीस नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? मैंने कहा अगर कोई खता हो गई तो दुनिया जाए कि ना जाए आखिर पर चली जाए, तो फिर ऐसा काम क्यों करूं। फरमाया कि हमने आपका जो इंतखाब किया इसमें हमारी बेवकूफ़ी थी, अब तो मैं खामोश हो गया। हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब अली रहमा जो नायब शेखुल हदीस थे, बड़े ज़बरदस्त साहिब इल्म, उनको बुलाया, कहा कि इसको मैंने बड़ा जगह भेजने के लिए पेशकश की, इन्होंने इनकार कर दिया और ये कहते हैं कि मुझसे ये काम ना हो पाएगा। फिर फरमाते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये इनकी तवाज़ो है। तो हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब ने फरमाया कि हजरत बड़े बड़े आलिमों से अच्छा ये पढ़ाएगा। तो फरमाया कि हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने इनका अल्लाह का शुक्र कि उन हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब की डांट फटकार उसी वक्त मेरे ऊपर इतनी हुई कि मैंने कहा ठीक है मैं एक शर्त पर तैयार हो जाता हूँ। पर मैं क्या शर्त वर्त रखता है? मैंने कहा ये हुजूर हाफिज़ मिल्लत हैं, ये जिम्मा ले लें कि मेरी मदद फरमाते रहें।
बरजस्ता आबिद मिल्लत ने फरमाया कि हम मदद के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त आबिद मिल्लत की मदद हाजिर, मुश्किल से मुश्किल मसाइल आते रहे और उनका तसव्वुर करके आधा मिनट गुजरा सब मसला हल। ये हमारे बुजुर्गों की शान, उन्होंने अब मैं उनकी बारगाह में आला हजरत का जो जिक्र जमील होता था और जिस जज्बा अकीदत से वो जिक्र फरमाते, आला हजरत की महब्बत हमारे सीनों में बैठा थी और फरमाते कि दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं जो आला हजरत हल ना कर पाए। सुभान अल्लाह। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैं छोटा था, 7 साल का, तो उस वक्त इल्मे हिसाब में मेरा बहुत ज़्यादा मेरी तवज्जो थी कि ये हिसाब के जो ऊंचे ऊंचे फार्मूले हैं वो सब याद कर लूँ। वालिदे माजिद ने जब मेरी ये जाम फिशानी देखी फरमाया, देखो शरीयत में हिसाब की ज़रूरत सिर्फ विरासत निकालने के लिए है, उतना तो तुम सीख ही चुके हो। आला हजरत ने उसी उम्र में एक मसले विरासत जो 7-8 बतन का था वो वालिद साहब ने दिया कि इसका जवाब लिख कर लाओ। तो आला हजरत पूरा जवाब चंद मिनट में लिखकर लेकर पहुंच गए। आपने पढ़ा हजरत मुफ्ती आजम हिंद कहिए उनको, हजरत अल्लामा नकी अली खान साहब अली रहमान, जो आला हजरत के वालिद माजिद, बड़ी ज़बरदस्त मुफ्ती थे। उन्होंने देखा बाग बाग हो गए और बरदस्ता फरमाया, है कोई आलिम जो इतना तवील और मुश्किल मसला इतनी जल्द हल कर। फरमाते हैं ये घंटों लग जाएंगे हल करने में और इन्होंने आधे घंटे से कम में सब कर दिया। तो ये आला हजरत हैं अपने बचपन में। फरमाते हैं आला हजरत कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे उलूम दीनिया की तरफ रग़बत दिलाई और मैं 13 साल की उम्र को पहुंचा, चंद महीने और दिन हुए, मेरे ऊपर नमाज फर्ज हो गई। उस वक्त सबसे पहला एक मुश्किल सवाल मेरे सामने आया कि अगर किसी औरत का दूध किसी बच्चे के की नाक के जरिए हलक में पहुंच गया तो क्या हुक्म है। फरमाते हैं
मैंने फौरन जवाब लिखा और मुदल्लल जवाब लिखा कि उससे हुर्मत रिदाअत साबित हो जाए और वो बच्चे की वो माँ कहलाएगी और उस औरत की लड़कियाँ इस बच्चे पर हराम हो जाएंगी। ये जवाब आपने मुदल्लल करके लिखा, इससे समझ में आता है कि वो मुश्किल मसला जो उलमा घंटों सोच विचार के बाद शायद किसी नतीजे पे पहुँचे के ना पहुँचे, आला हजरत ने झट उसको लिखा और मुदल्लल फरमा दिया। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मेरे वालिदे माजिद ने फरमाया था कि इल्मे हिसाब और इल्मे उक्लेडिस, जिसको ज्योमेट्री कहते हैं हिसाब, और उसी तरह अलजबरा वगैरह अल्लाह की तरफ से तुमको खुद मिल जाए। फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किल से मुश्किल कोई भी ज्योमेट्री की शक्ल हो या कोई इल्मे हिसाब का की गुत्थी हो वो हल ना होती हो तो मैं उसको हल कर लेता हूँ। इरशाद फरमाया इस फन रियाजी में पूरे हिंदुस्तान में 1.5-2.5 रियाजीदां पैदा हुए, उनमें एक मौलाना गुलाम हुसैन कंतूरी, आधे मौलाना इमामुद्दीन शारह तशरीह और एक मैं हूँ। दर उल कुब्ह अंदर की सुबह में आला हजरत ने सुबह सादिक के मसले पर एक किताब लिखी है, बहुत से लोगों ने इस मसले में ये कहा और वो हैअत के माहिरीन हैं, उन्होंने कहा कि जब आफ्ताब उफुक से 15 डिग्री नीचे हो तो सुबह सादिक तुलू होती है। आला हजरत ने उसका रद्द किया और फरमाया जब 18 डिग्री आफ्ताब नीचे होता है तब सुबह सादिक तुलू हो जाती और अब उसके ऊपर उन्होंने जो इस्तदलाल कायम किया उसमें एक जगह नाम आ गया उक्लेडिस के, बहुत बड़े माहिर किसका, नसीरुद्दीन तूसी का। फरमाया छोड़ो नसीरुद्दीन तूसी की बात, वो तो हिसाब में कच्चा है, उसने कितनी गलतियां की हैं इल्मे हिसाब में, ये आला हजरत बताते। बहरहाल फिर आला हजरत ने इख्तिलाफे मतालिक की बहस, इख्तलाफे मतालिक हमारे यहाँ मोतबर नहीं, इमाम शाफी के यहाँ मोतबर है, मगर क्या कीजिएगा कि इस वक्त शाफी के मुकल्लिद लोग उस पर अमल ही नहीं करते। सबसे बड़े जो मौलाना है अबू बकर शेख अबू बकर मुसलिया, वो न चांद देखा न सुना, बस
ये मालूम हो गया कि सऊदिया ने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ऐलान कर दिया है, बस वो ऐलान कर देते हैं। एक साहब ने कहा ये क्या करते हैं आप, तो उनको कोई जवाब नहीं बन पड़ा। वो कहने लगे क्या करूं, लोग लाठी लेके आते हैं मेरे पास कि आप ऐलान कीजिए, नहीं तो डंडा मार मार के। तो मुझको वो साहब सुनाने लगे, तो मैंने कहा आपने जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया कि नहीं। मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा कि इतने लाठीबाज अगर हैं उनके मानने वाले कि अपने शेख को भी डंडा मार सकते हैं, तो उस शेख की जरूरत क्या है। ये आप कहते होते हैं। तो बहरहाल आला हजरत ने इख्तिलाफ मतालिक मोतबर न होने पर इल्म हिसाब और इल्म ज्योमेट्री से ऐसे मजबूत दलाइल पेश किए हैं कि सुभान अल्लाह। इसी तरह क़िबले की तखरीज वगैरह सारे मसाइल बहुत शानदार लाजवाब अब तक उक्ते ला यनहल रहे, मगर आला हजरत ने हल कर दिया। बहरहाल अब हमें ये अर्ज करना है कि आला हजरत ने इन खूबियों के साथ चंद ऐसे अफराद पैदा कर दिए जो दीन की इशाअत की पूरी लगन रखते थे। उनमें हजरत सदर शरिया, जिन्होंने अकेले बड़े बड़े आलिम पैदा किए। इस काम में कोई आलिम उनका हम पल्ला नहीं। हाफिज मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, सदरुल उलमा गुलाम गिलानी साहब अली रहमा वगैरह वगैरह, सब बहुत से उलमा आपने ऐसे पैदा किए जो अपने वक्त के इल्मो दानिश में हिमालय पहाड़ की हैसियत। समझ गए आप, ये हैं। और उन्होंने सिर्फ उलमा नहीं पैदा किए, बल्कि उन्होंने बारे शरीयत उर्दू में लिखकर फिक्हे हनफी के मुतमद मुफ्ताबिह राजह मुरज्जह मसाइल को इकट्ठा कर दिया। मैं कहता हूं कि खुदा की कसम अगर इस किताब को अरबी में ट्रांसलेट कर दिया जाए तो फतवे की किताबों में ये सबसे अहम हो जाएगा। ये मैं कई मर्तबा कह चुका, अपने एक शागिर्द मौलाना मुफ्ती अबुल हसन साहब से कहा कम से कम आप इतना कर दीजिए, बारे शरीयत में जो हदीसें हैं अहादीसे बहारे शरीयत के तौर पर उन हदीसों को अलग किताब में जमा कर दें, ताकि एक साथ फिक्हे अनफी की हदीसों का मुताला मुयस्सर हो जाए। तो उन्होंने ये काम कर दिया। तब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने एक पोते से कहा है कि तुम बारे शरीयत को अरबी में ट्रांसलेट करो। उन्होंने कहा ठीक है मैं कर रहा हूँ। अब इस तरह से ये हो रहा है। तो बारे शरीयत बड़ी अहम किताब है। हुजूर मुफ्ती आदम क़िबला
उस पर बहुत एतमाद करती। किसी ने पूछा आपसे कि क्या बारे शरीयत को आला हजरत ने देखा, कि तुम देखने की बात करते हो, आला हजरत ही ने तो उसका नाम बारे शरीयत उस किताब की हैसियत ऐसी थी कि खुद आला हजरत उसको शरीयत की बहार कहना है। समझ गया? उस पर तकरीर भी आपने लिखी। बहरहाल ये सदर शरिया अली रहमा का फैज है और अब तक उनका फैज जारी व सारी है। जो तलबा मैंने दारुल उलूम अमजदिया खोला तो लोगों ने कहा क्या ज़रूरत है। मैंने कहा दो ज़रूरतें। एक ज़रूरत तो यह है कि आबादी मुसलमानों की बढ़ रही है, तो आबादी के एतबार से स्कूल भी बढ़ गए, मदरसे क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि हजरत सदर शरिया के मज़ार पर जो तालब इल्म आकर पढ़ेगा वो इल्म की बरसात में गुस्ल कर लेगा। ये फायदा। हुजूर ताज शरिया अली रहमा उन्होंने मेरे जामे अमजदिया का संगे बुनियाद रखा, उसका इफ्तिताह तालीम किया। वो बहुत ख़ास मेरे ऊपर अपनी नज़र करम रखते थे और मैं उनका बेपनाह अदब करता था। हालांकि मैं मेरी उम्र उनसे ज़्यादा, समझ गए आप? हाँ, 8 साल उम्र मेरी ज़्यादा। पूछता कोई कि आप बड़े हैं कि वो, मैंने कहा बड़े तो वो हैं उम्र मेरी ताजुशरिया अली रहमा के पास लोग मेरी बहुत शिकायतें लेके जाते, मगर ताजुशरिया ने किसी शिकायत वाले की बात मानी नहीं और उल्टे उसका जोग्राफिया कुछ नीचा हो गया। अलबत्ता मुझसे फरमा दिया करते थे, देखो फलां से ज़रा होशियार रहना, फलां से ज़रा होशियार रहना, फलां से होशियार रहिएगा, वो होशियार रहिएगा। ये नहीं कहते थे कि वो आपकी शिकायत करता है और ये करता है वो करता है, ये नहीं, होशियार रहिए बस। हाँ, मैं पहले ही से लोग उन लोगों को पहचानता हूँ, इसलिए उन लोगों के साथ मेरा जैसे रابطہ है रहता था वैसे ही रहता, बस मुझे क्या लड़ने झगड़ने की फुर्सत, कहाँ इतना वक्त है मेरे पास। यही अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि इस उम्र में मैं कुछ पढ़ा लिखा लेता हूँ और कभी कभी 2-4 जुमले की तकरीर कर लेता हूँ। बस अल्लाह ताला आप सब लोगों को शाद आबाद रखे। हुजूर ताजुशरिया का इतना करम था मेरे ऊपर के जलसे वालों से ये कह देते, जब अल्लामा की तकरीर शुरू होने का वक्त आए तो मुझे ले चलना स्टेज पर, मैं उनकी तकरीर सुनूंगा। ये उनका करम था, वरना
इल्म में वो तो मुझसे बहुत बड़े थे। आला हजरत के फ्यूज़ो बरकात उनके ऊपर उतरते थे और मेरे पास भी जो कुछ है वो आला हजरत ही की आकाएं, चाहे वो हाफिज़े मिल्लत के जरिए हो कि मुफ्ती आज़म के जरिए, सब वहीं का है। बहरहाल हमारा उस घर से ताल्लुक बिल्कुल घरेलू है। हाँ, और ऐसा नहीं कि हजरत सदर शरिया के बारे में आला हजरत के पास कुछ एतराज न किया जाता हो। अल मलफूज में एक जगह है कि कुछ लोगों को इस बात से तकलीफ होती है कि मैं मौलवी अमजद अली की कदर इतनी ज्यादा क्यों करता हूँ। वो ये नहीं जानते कि वो कितने काम के आदमी, मैं उनके कामों की वजह से ये उनकी कदर करता हूँ। हजरत सदर शरिया खुद फरमाते हैं, मदरसे मंदर इस्लाम में पढ़ाने के वक्त जो मुझे तनख्वाह मिलती थी उस तनख्वाह में से आधी तनख्वाह कम अज कम हर महीने आला हजरत का रिसाला छापने पर और उसकी इशाअत पर खर्च कर देता हूँ। ये अकीदत, कोई भी एक पैसा देने वाला नहीं मगर एक गरीब सदर शरिया की ये शान थी। आला हजरत की किताब छापनी होती खुद अपने हाथ से दस्ती प्रेस की मशीन चलाते थे, खुद उसकी संगसाजी करते थे और खुद ही वो कागजों की रिम लगाकर वो छपाई के पेपर निकाला करते थे। ये खुद उन्होंने बयान फरमाया। अब आप जरा सोचो जो काम मजदूर करते हैं आला हजरत के लिए हजरत सदर शरिया खुद उस काम पर उतर आते हैं। ये शान आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला बाज़ औक़ात उनको टोक देते कि ये सब काम आप क्यों करते हैं, मगर फरमाते हैं हुजूर इसी में मुझको बरकत मिलती है और इसी से मेरा काम होता है। सदर शरिया ने तर्जमा कुरान कद्दुल ईमान खुद अपने कलम से लिखा। लिखते थे, फरमाते हैं कलम मेरा रोशनाई मेरी कागज मेरा और मैं उसको लिखता था और फिर रात के 3 बजे तक रोज आना, इशा के बाद से तफासीर मोतदावला से उन तराजिम का मुकाबला करना, ये मेरा काम था। एतराज की जो जगह आती उसको मैं नोट कर लेता। पूरे तर्जमे कुरान में फरमाते हैं 4 जगह ऐसी हैं जहां पर काट कर दूसरा लफ्ज आला हजरत ने बदला। समझ गया, पूरे कुरान में 4 जगह तो उन किताबों के मुताले पर कितना वक्त लगा होगा ये सब सोच लीजिए। ये आला हजरत के तर्जमे के लिए कुर्बानियों का मसला है। अल्लाह ताला इन हजरात के मराकिदे अथर पर अनवारुल रहमान की आमीन आमीन और
फिर यारा जिंदा सोबत बाकी, फिर कभी बात हो इंशाअल्लाह।